नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और सीधे इस वक्त रुख करेंगे बैतूल का, जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। शिवराज सिंह जी ने रेट फिक्स किया हुआ है, रेट फिक्स किया हुआ है 50%, और 50% पैसा जो ये आज शिवराज सिंह जी का हाल है। मैं तो पूछता हूं, शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? आप बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, आप भी तो हिसाब दीजिए। मैं बताता हूं शिवराज सिंह जी ने क्या दिया। इन्होंने महंगाई दी, बेरोजगारी दी, माफिया राज दिया, बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था, ये सब चीजें दी। दुखी किसान आपने दुखी किया, शिवराज सिंह जी ये आपने दिया। एक और शिवराज सिंह जी ने दी, घर घर में शराब दी। सही बात है, घर घर में शराब दी। ये इन्होंने तो मध्य प्रदेश के भविष्य पर ताला लगा रखा है, एमपी की तरक्की पर ताला लगा रखा है, किसानों की आमदनी पर ताला लगा रखा है, युवाओं के रोजगार पर ताला लगा रखा है, बच्चों की किताबें और यूनिफॉर्म पर ताला लगा रखा है, कर्मचारियों की पेंशन पर ताला लगा रखा है। ताला खुलवाना है 50% दे दो, 50% दे दो, ये ताला खोलेंगे। ये आज हाल है। तो ये तस्वीर आप सबके सामने है, मुझे लंबी बात नहीं करनी, मुझे आपसे इतना ही कहना है कि आप वन अधिकार पेशा का उदाहरण लें। पेशा 18 साल बाद इन्होंने कानून लागू किया, हमारे आदिवासियों के लिए हमने कांग्रेस सरकार ने पेशा कानून बनाया था, और ऐसे नियम बनाए, इसमें भी घोटाला शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये नया मौका मिला है, हमारी सरकार आएगी, हम नए कानून बनाएंगे, नए नियम बनाएंगे, ताकि आदिवासी खुद ये पैसा कानून का क्रियान्वयन करें। बहुत बड़ी आवश्यकता है किसान भाइयों, हमारी सरकार आएगी। अब तो ज्यादा समय नहीं बचा, मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। बहुत कर लिया उन्होंने, जगह जगह जाते हैं, इनको रोजगार मांगते हुए नौजवानों की आवाज नहीं सुनते। आज किसान के आंसू ये नहीं देखते, इनकी कान नहीं चलती, आंख नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है, मुंह चलाने में ये मास्टर हैं, मुंह चलाते रहेंगे। 22,000 घोषणाएं करी हैं, और अब पिछले 5 महीनों में चुनाव है, इनको बहने याद आने लग गई, इनको कर्मचारी याद आने लग गए, क्योंकि किसी तरह कोई ना कोई प्रलोभन दो